हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है उन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको भी ये डिफॉल्ट सेटिंग करने जरूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिफॉल्ट सेटिंग की कुछ बेसिक जानकारियां बताऊंगा कि आखिरकार हमें ये डिफॉल्ट सेटिंग हमारे चैनल पर क्यों करनी जरूरी है, इससे हमें क्या फायदा होता है। इसी के साथ वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर के कि किस तरह से ये डिफॉल्ट सेटिंग है अपने चैनल के साथ की जाती है। तो वीडियो के साथ बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिफॉल्ट सेटिंग की पहले मैं आपको बेसिक की जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि आखिरकार ये डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हो और अपलोड करने के बाद अपने वीडियो का टाइटल आप लिखते हो, अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के बारे में लिखते हो, अपने सोशल मीडिया के लिंक आप डालते हो, कीवर्ड वहां डालते हो, इसी के साथ अपने वीडियो को टैग है वो भी आप डालते हो और हर वीडियो को अपलोड करने के बाद बार बार ये आपको डालनी पड़ती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने जो सोशल मीडिया के जो लिंक है वो कभी बदलते नहीं है, हालांकि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें बार बार वो लिंक डालने पड़ते हैं। तो ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम अपने चैनल में एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है जहां पर अपने जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है उनको वहां पर सेव कर सकते हैं और जब भी अपन कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर हमें ये बार बार टाइप करने की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार उसे वहां पर लिख दिया डिफॉल्ट सेटिंग में तो जब भी अपन वीडियो अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक वहीं शो हो जाएंगे। कई बार देखो साथियों, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कुछ नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन वो भी हमें बार बार देनी पड़ती है, अपने बारे में देनी पड़ती है या कुछ अन्य जानकारी हमें लिखनी पड़ती है और आप बार बार उसे लिखते हो तो ये बार बार लिखने का जो झंझट है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ कई बार क्या होता है कि साथियों देखिए, अपने वीडियो के अंदर टैग डालते हैं अपने वीडियो को रैंक कराने के लिए, तो कुछ टैग ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट अपने चैनल के कीवर्ड होते हैं जो बार बार हमें लिखने पड़ते हैं। अब देखिए, बार बार जब जैसे अपन को वीडियो अपलोड करेंगे और बार बार वो लिख रहे हैं तो इससे हमारे समय की जो बर्बादी वो हो रही। यदि उसे डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर सेव कर देंगे तो ये हमें बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, इससे हमारे एक तो चैनल वो रैंक करता है और जब भी कोई अपना वीडियो सर्च करता है या जो टाइटल हमने वीडियो को डाला है तो हमारी वीडियो है रैंक में आ जाती है, यूट्यूब के सर्च में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, यदि आपने अभी तक अपने चैनल में डिफॉल्ट सेटिंग नहीं की है तो वो डिफॉल्ट सेटिंग है वो आज कर ले। चलिए साथियों, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पीसी की स्क्रीन पर, वहां जाकर एक एक जानकारी आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बताऊंगा और जो साथी मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको मैं यहां राय दूंगा कि ये जो सेटिंग है आप अपने गूगल क्रोम में, यानी अपने चैनल को गूगल क्रोम में ओपन कर लीजिएगा और अपने ब्राउजर की जो सेटिंग है उसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा और फिर जैसे मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर जाकर दिखा रहा हूं वैसा का वैसा आपका मोबाइल में है वो शो हो जाएगा। वरना फिर आप ये कहोगे सर हमारे पास तो पीसी नहीं, हम तो मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, केवल एक बार आप यहां देख लो और अपने ब्राउजर की सेटिंग है वो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लो। तो चलिए साथियों, चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर, वहां पर एक एक सेटिंग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। साथियों, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब अकाउंट में लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद साथियों आपको यहां एक दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यूट्यूब स्टूडियो और कस्टमाइज चैनल। तो आपको यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो आपके सामने आपके चैनल का वाइट स्टूडियो या फिर यूट्यूब स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। यहां से अपन साथियों अपने चैनल की बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो ऑन करेंगे। तो देखिए साथियों, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां समझा देता हूं इसके बारे में कि ये कब काम आती है। देख फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है और मेरा ही एक वीडियो है और ये आप यहां देख सकते हो, मैंने यहां पर कुछ टाइप कर रखा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखिए यहां मैंने सोशल मीडिया के लिंक है वो भी यहां पर टाइप कर रखे हैं। अब ये जो लिंक है, मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे बार बार यहां कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ते, मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग कर दी है। तो एक बार डाल दिया तो जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी वीडियो के नीचे आ जाएंगे। तो ये अपन कैसे करेंगे साथियों, इसके लिए आपको अपने चैनल के डैशबोर्ड में जाना है। जब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो यहां पर काफी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग का मेनू या ऑप्शन खुल जाएगा और सेटिंग का ऑप्शन जब खुलेगा तो यहां पर भी साथियों आपको काफी ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपको यहां अपलोड डिफॉल्ट है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल की डिफॉल्ट सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहां अगर आप देखोगे तो यहां देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आ रहा है, एडवांस सेटिंग आ रही है और मोनेटाइजेशन आ रहा है। फ्रेंड्स, सबकी अपन बारी बारी देखेंगे किस तरह से इनकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो की
जाती है। चलिए पहले बात कर लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब देखिए साथियों, बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या, सबसे पहले आता है अपने वीडियो का टाइटल, जो कि हमें खाली छोड़ना है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब भी अपन कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल अलग अलग होता है, सो हमें हर बार उसका टाइटल बदलना पड़ता है, तो ये बाय डिफॉल्ट कभी नहीं रहता। अब बात करते हैं साथियों अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन की। अब देखिए आप यहां देख सकते हो, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहां कुछ लिख रखा है। चलिए मैं आपको यहां ऊपर नीचे करके इसको दिखाता हूं। देखिए मैंने वीडियो के नीचे जो अपने डिस्क्रिप्शन है यहां पर लिख रखा है, ये वेबसाइट का लिंक डाल रखा है यहां पर, इसमें थोड़ा मेरे बारे में मैंने यहां बता रखा है। इसके अलावा देखिए यहां पर आप देखोगे कि मैंने यहां लिख रखा है, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको, तो ये लाइन है मुझे हर बार वीडियो के नीचे लिखनी पड़ती है, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया। तो इतनी लाइन है वो कभी नहीं लिखनी पड़ती, ऑटोमेटिक वहां चल जाती है। इसके बाद आगे और मैं वहां पर जाके टाइप कर देता हूं। अगर थोड़ा सा नीचे और करूंगा तो आप यहां देख सकते हो कि मैंने यहां सोशल मीडिया के लिंक है वो डाल रखे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, सोशल मीडिया का लिंक जब अपन डाल देते हैं यहां, तो बार बार हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो के नीचे हमें बार बार कट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो एक तो आप जितने भी अपने सोशल मीडिया के लिंक हैं, यूआरएल हैं, वो एक बार कॉपी करके बाय डिफॉल्ट इस डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिएगा और यहां से जाकर के इसे सेव कर दीजिएगा, तो आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए यहां पर नीचे ऑप्शन आ रहा है विजिबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो अपलोड करते ही आपका वीडियो पब्लिक होना है या फिर अनलिस्ट होना है, या फिर आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, तो तीनों ऑप्शन है। तो अपन यहां बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहने देते हैं, क्योंकि जब भी अपन वीडियो अपलोड करते हैं तो वो डायरेक्ट ही पब्लिश हो जाए। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन टैग्स की। देखिए अगली बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है टैग्स की। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो में अपन टैग डालते हैं, जो वीडियो का टॉपिक है उसको लेकर ही अपन टैग डालते हैं, लेकिन कुछ टैग ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट रहती हैं। जैसे एक हमारे चैनल का नाम जो आपको हमेशा डालने, इससे आपके चैनल है वो रैंक करता है। इसके अलावा ठीक है, यहां पर जो आपके चैनल की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी की एक दो टैग बाय डिफॉल्ट रहती है, वो आप हमेशा इसमें डाल दिया करो और इसको सेव कर दियो। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये जो टैग है ऑटोमेटिक आपके वीडियो के नीचे आ जाएंगे, बार बार आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। और वैसे जब भी अपन वीडियो डालते हैं, वीडियो का टॉपिक अलग होता है, तो अलग अलग वीडियो के अनुसार या अलग अलग टॉपिक के अनुसार टैग भी हैं वो बदलती रहती हैं। तो देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर ये कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी। चलिए अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन वाले फीचर में। अगर फ्रेंड्स, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो रखा है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, वरना ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। आपका चैनल मोनेटाइज है तो अब देखिए यहां पर जो एड्स चल रहे हैं अपने वीडियो के ऊपर, कई प्रकार के एड्स होते हैं। एक तो डिस्प्ले एड्स होता है, ओरली एड्स होता है, स्पॉन्सर होता है, स्केबेबल होता है, नॉन स्केबल होता है, कई प्रकार के वीडियो के अंदर एड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट देखिए, एक तो ये ऑप्शन है ड्यूरिंग द वीडियो, मैंने यहां पर सब पर चेक कर रखा। अब इसका मतलब ये है कि जब अपन वीडियो अपलोड करते हैं तो मोनेटाइजेशन के लिए साथियों वहां पर पूछा जाता है कि ये वीडियो मोनेटाइज करनी है या नहीं करनी है, तो वैसे में हमें बार बार उस पर टिक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आकर के आप सब पर बाय डिफॉल्ट चेक कर दीजिए, यस कर दीजिएगा, तो आपकी वीडियो है वो मोनेटाइज हो जाएगी, आपके वीडियो पर सारे एड्स हैं वो चलने लग जाएंगे। ये खास बात है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो साथियों ये सेटिंग आप जरूर कर ले। चलिए अब साथियों बात करते हैं अपन एडवांस सेटिंग की। चलिए एडवांस सेटिंग में काफी सारे सेटिंग्स आती हैं डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर। सबसे पहले आता है अपनी वीडियो का लाइसेंस। देखिए नॉर्मली जो एक क्रिएटर होता है, यूट्यूबर होता है, उसका लाइसेंस कैसा होता है, वो होता है साथियों स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वीडियो है कोई दूसरा यूज नहीं कर ले, अगर वो यूज करता है तो उस पर अपन कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम उसको अपन दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है क्रिएटिव कॉमन्स। अब देखिए ये भी एक लाइसेंस है, इसका मतलब ये है साथियों हमारी वीडियो कोई दूसरा अपने चैनल पे अपलोड कर सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, आप कर सकते हो, वरना आप इसे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखो, ताकि आपकी कोई वीडियो है कोई कॉपी ना कर सके। चलिए अगला ऑप्शन आता है साथियों कैटेगरी की। जिस प्रकार से अपने चैनल की एक कैटेगरी होता है, कोई टेक का चैनल होता है, कोई कॉमेडी, कोई एंटरटेनमेंट, कोई कुकिंग का, ठीक है, उसी हिसाब से यहां पर अपने कैटेगरी जो वीडियो डालते हैं उसी कैटेगरी में जाती है। देखिए मेरा जो चैनल है वो टेक का चैनल है, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने यहां कर रखा है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो बार बार मुझे ये जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, मेरे जो ज्यादातर वीडियो होते हैं वो टेक के ऊपर ही होते हैं, इसलिए मैंने यहां साइंस और टेक्नोलॉजी कर रखा है। अगर आपका जो चैनल की कैटेगरी है, आपकी वीडियो की क्या कैटेगरी है, तो उस हिसाब से आप यहां बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हो। विशेष परिस्थितियों में हमें वीडियो की जो कैटेगरी है वो बदलनी पड़ती है, तो वो नॉर्मली जब अपने वीडियो अपलोड करते हैं वहां बदल सकते हैं। तो एक तो ये सेटिंग आप अपने चैनल की जो कैटेगरी
भी है, वीडियो के क्या रखना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए अगला जो ऑप्शन आता है साथियों, अपने वीडियो की लैंग्वेज, किस प्रकार की अपनी लैंग्वेज है वीडियो में, कैसा वीडियो है, हिंदी का है कि इंग्लिश का है, तो आप यहाँ बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग है वो कर सकते हो कि कैसी वीडियो आप बनाते हो, ताकि हमें बार बार है साथियों वो सिलेक्ट नहीं करने पड़ते। देखिए कई बार क्या होता है कि अपन वीडियो के अंदर जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं और वो कॉलम है वो खाली रह जाता है, तो ऐसे में हमारी वीडियो रैंक नहीं कर पाती है। कारण यह है क्योंकि यूट्यूब वो समझ नहीं पाता आखिरकार ये वीडियो कौन सी लैंग्वेज में है। तो आप अपने चैनल की लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस प्रकार की वीडियो है अपने चैनल पे बनाते हैं। चलिए इसके बाद साथियों आता है कमेंट्स। देखिए यहाँ पर अपने वीडियो के नीचे जो व्यूवर आते हैं वो कमेंट करते हैं, अगर आप उसे बाय डिफॉल्ट हाइड करना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर मेरे वीडियो के नीचे सारे जो कमेंट्स हैं वो अलाउ कर रखे हैं, तो आप भी इस तरह से अलाउ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि कोई कमेंट करता है तो वो आपको यहाँ शो होगा, आपके साथ साथ आपकी जितनी भी जो कम्युनिटी या जो वीडियो देखेगा उस वीडियो वालों को भी वो कमेंट है वो शो होगा, तो यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट इसे ऑन ऑफ है वो भी यहाँ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये डिफॉल्ट की कुछ सेटिंग थी जो आप आसानी से कर सकते हो। फ्रेंड्स ये सारी सेटिंग करने के बाद यहां पर देखिए सेव का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। जैसे अभी ये कैंसिल का नीला कलर हो रखा है, अगर आप यहां पर कोई भी सेटिंग एक बार छेड़ोगे तो यहां पे ये नीला कलर यहां हो जाएगा, तो आपको सेव करना जरूरी है। यदि आप सेव नहीं करोगे तो जो भी आपने सेटिंग की है वो सेव नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट जो पहले थी वैसी की वैसी ये हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी बाय डिफॉल्ट सेटिंग, शायद आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से ये सेटिंग है कर लोगे। चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स ये तो थी YouTube की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग करने का तरीका, शायद आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स मुझे बताना कि आज की ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी, अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आ रही है इस डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चलते चलते आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए मेहमान है यार अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को है सब्सक्राइब कर ले, आपका भाई का चैनल है, क्योंकि चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां वो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।